अटल ब्रिज से ये आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था अहमदाबाद में। रोज शाम को यहाँ पर भारी भीड़ होती है और वहां पर देखिए जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 26 के रुझान 27 के रुझान गुजरात के सामने आ चुके हैं। बीजेपी 22 पर, कांग्रेस पार्टी 4 पर, आम आदमी पार्टी 1 पर, 22 पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी संकेत किया था। बीजेपी क्या प्रचंड जीत हासिल कर सकती है, 30 के रुझान अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं। 31 बीजेपी 24 पर, कांग्रेस पार्टी 6 पर, आम आदमी पार्टी 1 पर, जबकि हिमाचल प्रदेश 68 में से देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर फिलहाल शुरुआती रुझानों में सामने आई है, जब बीजेपी 4 पर 6 में से, कांग्रेस पार्टी 2 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो अब तक 34 के गुजरात के 182 में से 34 के रुझान निकलकर सामने आए हैं, 37 रुझान हो चुके हैं। 37 के रुझान निकलकर सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 29 पर, कांग्रेस पार्टी 7 पर, आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल चुका है 1 पर। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर आपको दे दें, तेजी से जो बीजेपी की सुई है वो तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात की सभी 182 सीटों पर काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में बीजेपी अब 30 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर। और गुजरात में अगर इसी तेजी से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया तो यकीनन क्या वो अपने 2002 के आंकड़े को मात दे देगी, 2002 में जो 127 सीटें उसने हासिल की थी, क्या उसको पीछे छोड़ते हुए इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब कांटे की टक्कर फिलहाल हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, और गुजरात पर अगर आप नजर डालेंगे तो 31 सीटों पर रुझानों के मुताबिक, याद रखिएगा अभी सिर्फ रुझाने नतीजे आने बाकी हैं, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, 31 पर, 8 पर कांग्रेस, 2 पर आप। संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे हिमाचल को लेकर है, क्योंकि हिमाचल पर सबकी नजर टिकी हुई है, सस्पेंस वहीं पर बरकरार है। हमारे एग्जिट पोल के अनुमान में कड़ी टक्कर के बावजूद कांग्रेस को एज दे रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपका एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहा है, जो आपकी ग्राउंड स्टडी है उसमें आपको लगता है कि बीजेपी को अपर एज है। संजय जी, बिल्कुल अंजना जी, हमने जो स्टडी की है, हमारे हिसाब से, हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से बीजेपी 2% वोट बीजेपी का कांग्रेस के से आगे है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी आगे रहेगी कम से कम अपने स्टडीज के अनुमान से। लेकिन फिर भी ये मानना होगा हमें कि टक्कर कांटे का टक्कर है, क्योंकि 1-2% का हेर फेर किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन मुझे अनुमान ये लगता है कि बीजेपी फिर भी इस कांटे के टक्कर में आगे दिखाई पड़े। और यहाँ पर देखिए गुजरात का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ, आम आदमी पार्टी 4 पर आगे हो चुकी है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी 8 पर है, जबकि बीजेपी के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आती है। 34 के साथ 182 में से 46 के अब तक रुझान सामने आए हैं, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट में माना जाता है बीजेपी को बढ़त रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़े ईवीएम के जरिए खुलेंगे क्या इसी तरह से आगे अंजाम भी होगा, जैसा कि आगाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 35 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी, गुजरात के आंकड़े हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश को गौर से देखें, कांटे की टक्कर, बीजेपी 7 पर, कांग्रेस पार्टी 7 पर, 15 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं और एक अन्य पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान में बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है गुजरात में, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर के हिसाब से बराबरी का मामला हिमाचल प्रदेश में हो गया है 7-7 पर देखिए, लेकिन वहीं नीचे जब आप देख रहे हैं तो तेजी से रुझान गुजरात के आ रहे हैं, जहां पर 46 मतलब बोलते बोलते भी आंकड़ा बढ़ रहा है, 46 पर बीजेपी आ गए, वहीं 7 पर कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी 4 पर है। लेकिन ये क्या संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर फाइट देती हुई दिखेगी? कांग्रेस और आपको आप आस पास देख रहे हैं, वही 50 हाफ सेंचुरी रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने हाफ सेंचुरी मार ली है गुजरात में, 63 सीटों के आगे, 51 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं रुझानों के मुताबिक, 63 सीटों के कुल अभी तक रुझान आ गए हैं, जिसमें से 52 पर भारतीय जनता पार्टी, 9 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी। वही मुकाबला कांटे का यहाँ दिख रहा है हिमाचल में, जहां पर बीजेपी 9 में जीत रही है रुझानों के मुताबिक, 8 पर कांग्रेस, यानी 18 सीटों का यहां पर आ गया, आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर आप गुजरात पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी यहां पर 5 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक।